तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं द मार्टियन मूवी के बारे में। ये मूवी 2015 में आई थी। इस मूवी में एक एस्ट्रोनॉट जो कि मंगल ग्रह पे फंस जाता है और कैसे वो बहुत दिन तक सरवाइव करता है बिना खाने और बिना पानी के, और कैसे वहाँ पे वो खेती करता है। तो आइए चलते हैं इस मूवी की स्टोरी की ओर। मूवी की शुरुआत में मार्स प्लैनेट दिखाया जाता है, जहाँ पे नासा एक मिशन के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट को वहाँ भेजता है। उन्हीं में से एक का नाम होता है मार्क वेटने, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तभी नासा द्वारा एक इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वहाँ पे बहुत ही भयानक सा तूफान आने वाला है। तब उनकी कमांडर ये डिसीजन लेती हैं कि वे तुरंत वहाँ से इमरजेंसी लॉन्च करेंगे। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वो तूफान बहुत तेज हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट मार्क से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मार्क बेहोश हो जाता है और उसके सूट का कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाता है। वे लोग उसे वहाँ पे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है, इसलिए मजबूरी में उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद न्यूज में एक खबर फैल जाती है कि मार्क वेंटे हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ही मार्स पे तूफान शांत हो जाता है, तब हमें देखने को मिलता है कि मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है। वो शेल्टर में जाके अपनी चोट पे दवाई लगाता है। उसके बाद वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकलेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन आज से 4 साल बाद है और वो 4 साल तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास खाने और पीने के लिए इतना सामान नहीं है। तब वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे खेती करेगा। वो बाहर जाके सोलर पैनल को सही करता है, उसके बाद अंदर लाके मिट्टी डालता है और उसमें वो आलू डालता है जो वो अपने साथ लेके आया था। लेकिन अभी अप्रोक्स 40 लीटर पानी की जरूरत थी। लेकिन मार्क एक बोटनिक होता है जो कि पेड़ पौधों पे रिसर्च करते हैं, और उसको मालूम होता है कि पानी को कैसे बनाया जाता है। उसको मालूम होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाया जा सकता है। लेकिन पहली बार जब वो बनाता है तो किसी कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो वो उसमें सफल होता है और वहाँ पे वो पानी प्रोड्यूस कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट भी उग जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद नासा में काम कर रही एक लड़की जो सैटेलाइट की मदद से मार्स पे ये देख लेती है कि वहाँ पे सोलर पैनल की जगह को बदला गया है, तो वो समझ जाती है कि मार्क अभी जिंदा है। ये बात वो अपने हेड को बताती है, लेकिन वो कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसे बचाने के लिए जाएंगे तब तक वो भूख के मारे वैसे ही मर जाएगा। तभी इस मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कहते हैं कि वो हमारा ही आदमी है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तब ये बात मीडिया को बता दी जाती है कि मार्क अभी जिंदा है, और वहाँ पे हाहाकार मच जाता है। अब यहाँ पे मार्क को रहते रहते 70 दिन हो चुके थे। अब वो यहाँ पे नासा के अगले मिशन एरिस 4 पे जाता है। वहाँ पे वो एक रोवर की मदद से जाता है जो कि दिन में चार्ज होता था और रात में वो चलाता था। उसके बाद मार्क जो है एक डिवाइस ढूंढता है जिसका नाम है पार्थ फाइंडर, जो कि 1997 का भेजा हुआ था, जो अब खराब हो गया था, लेकिन मार्क उसे सही कर देता है। वो मशीन मंगल ग्रह की फोटो लेता था। तब मार्क उसके सामने 3 बोर्ड लगा देता है। बीच वाले बोर्ड में ये लिखा होता है कि आप लोग मुझे लेने के लिए आएंगे। एक साइड लिखा होता है यस और दूसरी साइड लिखा होता है नो। नासा के लोगों को जब ये पता चलता है कि उसने उस मशीन को ढूंढ लिया है, तब वो लोग उस कैमरे की डायरेक्शन चेंज करके यस की ओर कर देते हैं, जिससे मार्क को पता चल जाता है कि वो लोग मुझे देख रहे हैं और वो लोग मुझे बचाने आएंगे, और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग कोड में बात करते हैं और किसी सॉफ्टवेयर की मदद से मार्क उन लोगों से कनेक्ट कर पाता है और उन लोगों से मैसेज के थ्रू बात करता है। तब वो उन लोगों से कहता है क्या उसके टीममेट्स को ये बात बताई कि मैं अभी जिंदा हूँ, तो वो लोग कहते हैं नहीं। तब मार्क कहता है कि उन लोगों को ये बात बता दो, उनके टीममेट्स अभी स्पेस में ही होते हैं, वो लोग अर्थ आ रहे होते हैं। तभी नासा का हेड उन लोगों को बताता है कि मार्क अभी जिंदा है। ये बात सुनके वो लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी ही वजह से वो वहाँ पे अकेले है। जब वो शेल्टर में जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक डैमेज के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण उसके द्वारा लगाई गई सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अब वो दोबारा उस फसल को नहीं लगा सकता है।
तभी वो बचे हुए आलू से ये सोचता है कि कैसे बचे हुए दिन में वो सरवाइव कर पाएगा। वो एक दिन का खाना 3 दिन तक चलाता है। उसके बाद वो लोग मार्ग तक खाना पहुंचाने और कुछ जरूरत के सामान पहुंचाने के लिए एक स्पेसशिप को जल्दी से जल्दी रेडी करते हैं और उसे लॉन्च करते हैं, लेकिन वो स्पेसशिप बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है। जब ये बात मार्क को पता चलती है तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसकी सारी होप्स खत्म हो जाती हैं। जब ये सारी बातें चाइना को पता चलती है तो वो नासा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास एक ऐसा फास्ट स्पेसशिप होता है जो समय से पहले ही मार्स पे खाना पहुंचा सकता था। उसके बाद हम नासा के ही एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम रिच होता है। वो उन लोगों को एक प्लान बताता है, जो लोग अर्थ पे वापस आ रहे हैं वो लोग अर्थ पे ना आके बल्कि अर्थ का एक चक्कर लगा के दोबारा मार्स प्लेनेट पे जाएं और वहां पे लैंडिंग ना करें। मार्स प्लेनेट पे एक स्पेसशिप है जिसकी मदद से मार्क स्पेस में आ सकता है और वहां पे हम लोग उसे बचा सकते हैं। ये चीजें सुनने में ही अच्छी लग रही थी, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए नासा के हेड इस चीज के लिए मना कर देते हैं कि एक मार्क को बचाने के लिए मैं अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तब रिच सीक्रेटली उन टीममेट्स को वो मैसेज भेज देता है और वो प्लान बता देता है, तुम ही लोग हो जो उसे बचा सकते हो। कमांडर ये डिस्कस करती हैं कि हम लोग उसको बचाने के लिए जाएंगे क्योंकि वो हमारी ही वजह से वहाँ फंसा है। ये बात नासा वालों को पता चलती है, तब वो लोग भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे चाइना की मदद से खाने को स्पेसशिप में रख के सक्सेसफुली मार्स पे पहुँचाया जाता है। यहाँ पे ये लोग मार्स पे दोबारा घूम के जाने लगते हैं जिसमें इनको 500 से ज्यादा दिन लगते। वहाँ पे मार्क को मार्स प्लेनेट पे रहे लगभग 550 दिन से भी ज्यादा हो गए थे। मार्क जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत अभी नहीं हारी थी। अब वो उस स्पेसशिप के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी। वो स्पेसशिप बहुत ज्यादा हैवी वेट लेके उड़ नहीं सकता था, इसलिए मार्क उसमें के हर एक चीज को बाहर निकालता है, जैसे कुर्सियां, खिड़कियां और यहाँ तक ऊपर का टॉप भी निकाल देता है और उसको एक पन्नी से कवर करता है। और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन यहाँ रह के भी उसका कोई फायदा नहीं था। अब वो वहां से लॉन्च कर देता है। उन लोगों की स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए वो अपने स्पेसशिप के पीछे वाले हिस्से को एक बम की मदद से उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड धीमे हो जाती है। कमांडर डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी और मार्क को बचाएगी। वो बाहर आती है, लेकिन वो मार्क तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसकी केबल छोटी पड़ जाती है। इसलिए मार्क उस कैप्सूल से बाहर कूद जाता है और अपने हाथ वाले हिस्से का सूट फाड़ देता है, जिसके कारण उसके सूट की ऑक्सीजन बाहर बहुत प्रेशर से निकलती है और वो किसी तरीके बैलेंस करके कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने जाता है तो उसका हाथ उससे छूट जाता है। मार्क उस केबल को जाके पकड़ लेता है और फाइनली वो दोनों स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। जब ये बात मीडिया को पता चलती है तो अमेरिका के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ में नासा के वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अर्थ पे वापस आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क अब एक इंस्ट्रक्टर बन गया है, जो कि अपने स्टूडेंट को ये बताता है कि कैसे हम अदर प्लेनेट पे सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ समय बाद उस मिशन पे गए हुए सारे लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं और वो एरिस 4 मिशन 5 साल बाद नासा द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।